उत्तर प्रदेश के झांसी में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हो गया। जनता दर्शन और पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला होने की सूचना आई है। जानकारी के मुताबिक मऊरानीपुर में यात्रा के दौरान उनके ऊपर फूल के साथ मोबाइल भी फेंका गया। धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल लगने से चोटें आई हैं। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री बाद में इन मोबाइलों को हाथ में लेकर जनता से कुछ कहते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर घटना के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री मऊरानीपुर क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे थे। इसी दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे। उन्होंने श्रद्धालुओं को अभिवादन करना शुरू कर दिया। सभी से उनकी बातचीत भी हो रही थी। बताया जा रहा है कि साथ चल रहे लोग उन पर फूलों की वर्षा भी कर रहे थे। इसी बीच किसी ने फूल में छुपा कर मोबाइल से उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 2-3 मोबाइल फोन उनकी तरफ फेंके गए। इनमें से कुछ मोबाइल फोन बाबा बागेश्वर ने हाथ में लेकर भीड़ को दिखाए, साथ ही कहा कि फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है। इसके बाद उनके साथ चल रही टीम और श्रद्धालुओं को उन्होंने आगे चलने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में लगी पुलिस भी चौंक गई। अब पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। धीरेन्द्र शास्त्री पर हमले की सूचना सोशल मीडिया पर फैलने के बाद झांसी पुलिस ने एक ट्वीट और संदेश जारी किया, जिसमें बताया गया कि धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला नहीं हुआ बल्कि पुष्प वर्षा के दौरान मोबाइल लग गया। वहीं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जनता को बाद में बताया कि किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल लग गया था। किसी तरह की कोई साजिश नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है और यहाँ सब कुछ ठीक है। दोनों ही राज्यों की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।